दौर
जिनकी वजह है कि पूरी दुनिया जितने मुसलमान थे वक्त इफ्तारी दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ किपे जा रही है पूरी दुनिया के अंदर इस हवाओं को दुनिया को महफूज होना, लेकिन दुआ आसमान पर चढ़ती नहीं तो बोल रही उसकी वजूहत अगर इंसान गौर कर पूरी तरह अमानतदारी गौर करके लियाए बात यहां आगे सब होगी कि पूरी दुनिया च बहुत कम लोग ऐसे ने जिन्होंने पेट जाने वाला रुकमा हराम हराम रुकमा एक ऐसी बुरी चीज है कि जिसके नाम इंसान का कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए बंदे को पूरी तरह यकीन होना चाहिए। हदीस ऐसी है नसार रजी अल्लाह तआला अशरफ मिश्रा साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई ऐसा अमल दसो जिस अमल को मैं करा और अल्लाह मेरी हर दुआ को मेरी कोई दौर भर हो गई अल्लाह में उस तजा को दावा बना ले ऐसा शख्स बना ले जिसकी दुआ कबूल हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा अगर तुम चाहता है कि तेरी हर दुआ कबूल होए तो तेरा हर रुकमा हलाल हो जाए। तसल्ली हो यकीन हो कि जो मैं खा रहा हूं जिस मकान में रह जो कपड़े मैं इस्तेमाल कर जो बेड बिस्तर मेरा इस्तेमाल है जो चीज मेरे इस्तेमाल है मेरे फहम समझ इन इमाम के मुताबिक ये हलाल किसी हराम की कोई अमल नहीं तो फिर यकीन करें कि जेडी दुआ करेगा अल्लाह को बहुत फर्क सैयद आसान रजी अल्लाह तआला फरमाते कुछ ये अब क्या ऐसा नबी अलैहि सलाम के फरमान तो बाद तुझे सुनाओ कि तुसा फिर कितनी अहमियत फरमाई आप फरमाते मैं उस वक्त तक लुकमा अपने मुंह में लिया नहीं जब तक यकीन न होए कि लुकमा ला रहा और फिर सारा जिंदगी जो तो आप करते हैं सर कबूल जो कहने सर वो है हो जाता है मकाम दर्जा हासिल इसी ना साहब को जी अल्लाह होता है बल्कि सही बुखारी अंदर ही साहब रजी अल्लाह होता है उनकी इफ्तार का जिक्र आप गवर्नर सर कूफे सैयदना सारा रजी अल्लाह आदमी ने सीना साहब रजी अल्लाह उमर के खिलाफ अमीर मोमिन सीना उमर रजी अल्लाह तआला सब लिखा कि शाह की नमाज ठीक नमाज ठीक नहीं पढ़ा होता सीना उमर रजी अल्लाह ने जो फर्क पढ़िया बड़े हैरान हुए कि शाह हो गए अशरफ मिश्रा साहबी हो गए तो नमाज ना पढ़ा है ठीक उन्होंने इसलिए कुछ खत दे होते कोई हृदय अमल शायद कर दे आप लोग बंदे भेजे कि जाओ साहब उसी अल्लाह उत्तर के बारे तो लिया फिर सैयदना साहब को मिलना और कहना कि तुम्हारे खिलाफ है खत इतना सर्वे का लेना रिपोर्ट ले लेना लोगों की दवाइयां ले लेना कि वाकई साहब के खिलाफ जो तहरीर आएगी कि इसे पर लोग गए कुछ आ गया कि साहब रजी अल्लाह तआला की नमाज कैसे सारे कूफे ने जितने लोगों ने मुलाकात हुई सब ने ही बात कही कि साहब की नमाज दुरुस्त किसी बंदे ने बहुत सही कुछ नाराजगी लड़ाई
प्रसाद ले लेता हूं, प्रकाशन पहुंच गया सीना साहब साहब असर खुफिया सर में है जो खत है उसने बाद खिलाफ लोगों ने कहा नमाज दुरुस्त है सत्य थी नमाज थी देखना जरा गौर करना कहा मदीना और कहा पूछा खातिर की तारीफ है कोई ख्यालत का तस्करा नहीं किसी और की का जिक्र नहीं है सिर्फ लिखने वाले ने झूठ बोल के खत लिखे है और उसकी बात लिखी कि नमाज ठीक नहीं कोई और भी झूठी बात जो कहने वाला कह रहे जो देख रहे खाते कोई और इल्जाम लगना चाहिए नाउज़ुबिल्लाह कोई शराब पीता है या कोई और कबीरा गुनाह नमाज के बारे क्यों लिखा है उस दौर के तसव्वुर से यदि नमाज ठीक नहीं तो गवर्नर की हैसियत और कुर्सी के बैठने के लायक और काबिल नमाज के खिलाफ अगर बात कही थी ना उमर रजी अल्लाह तो परेशान होंगे हैरान होंगे और एक्शन लेंगे कि नमाज गवर्नर की नमाज तो सुनी सैयद साहब रजी अल्लाह फरमान लगे कि नमाज तो भी ठीक है ये वैसे ही कुछ सलाम करते ने खूब से गुस्से के खत लिखे और बुला गया बुला गया कुछ वो कभी नहीं नमाज थी सीना साहब फरमान का नमाज में उसी तरह पढ़ाता जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने मगर नमाज पढ़ी है नमाज रसूलुल्लाह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को जेड़े बाप के लिए आता है वो बड़े काबिले को ये उस बाप की हदीस बयान हुई है इमाम बुखारी पर रहमतुल्लाह मौला ने बाप ने कि सूरतुल फातिहा इमाम होवे मुक्तदी होवे सब पर फर्ज है फातिहा बगैर नमाज नहीं जिसको महसूस होता है कि सीना साहब नमाज के रसूल पढ़ते सन फातिहा पढ़ते सन ते कूफिया नु और दाद दीजिए सर इसलिए तो खत लिखे या मुझसे लिखे सैयदना साहब रजी अल्लाह तआला तो फरमान लगे मेरी नमाज ठीक है वो बंदा कभी नमाज ठीक नहीं और फैसला कौन कर सीना साहब रजी अल्लाह तआला या अल्लाह जिसने बंदा ये ठीक है अपने मौकफ है अपनी बात है हक पर फिर तो ठीक है कि नमाज नहीं कर जे ये ठीक नहीं मुसलत कर गुरबत तंग दस्ती इसका मान तलफ कर इतनी उम्र इतनी लंबी कर दे फिजने से पा दे सीना साहब के हाथ उठ के खिला रहे कुछ ताबीर फरमाते हैं कैसा अपनी अखा ने रख गया उस बंदे चलिए भीख मंगना था खाता पीता इंसान भीख मंगने के मजबूर हो गया कदों जब सैयदना साहब रजी अल्लाह के खिलाफ खत लिखे और सात साल कुछ तजाबुल दावात के पहने सर होंगे हो जाओ अल्लाह की उम्र लंबी कर ताबीर फरमाते हैं कि उसने अखा का जो ऊपर पलंगा जो गोश्त की अखा के ऊपर चढ़ाया सी इतने बढ़ाव में चले गए और इस तरह अपने गोश्त ऊपर करके बेनता से चौका चुनाव खड़े होके लोगों दिया इस तरह लुटता परेशान लोग पर बुराई फाशी बेहयाई इस तरह मुलबस हो गया चौका चुनाव में खड़े होना हर भीख मंगनी ना शरारत करनी का लोगों ने कहना सुबह में तो बच जाओ इन साफी और फूल की बदवा सारी दुनिया की चिल्ला रही है अल्लाह कोरोना की वबा को सब महफूज कर तो आसमान पे चढ़ती नहीं चढ़े राज हुक्म हराम कर साहब जी और फरमा दे मेरी दुआ क्यों नहीं सी रहा या अल्लाह भी है जो हुक्म हराम है कि इंसान को मुशरिक बना
इज्जत तनाव और शबर खत्म हो जाए, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल खत्म हो जाए। कुरान पाक का बात किसको है, या इस तरह समझ लीजिए जल वसी आलम हर साहब है। अल्लाह ने ये वादा दिया अलफ को क्या मैं तुम्हारा पालने वाला हूं या नहीं, क्या तुम्हें बनाने वाला तुम्हारा रब हूं या नहीं, सवाल वहां पर मैं तुम्हारा माबूद हूं या नहीं, सीधे के लायक मैं हूं या नहीं, अलफ को मेरा पेपर मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। जो आलम रवाज कह के आयशा की आना तुम ही पालने वाला है, फिर हराम के लुकवे की तरफ तवज्जो क्यों, रब्बुल आलमीन को है पालने वाला हो। और जो कब्र के इंसान पहुंच गए सवाल क्या है, मन इलाह का तेरा बाबूल कौन है, नहीं मन रब होगा, बता किस अकीदे पर मरा, जिस पर पैदा किया मैं हूं तेरा रब, आज बता कबर तेरा रब कौन था जिसने यहां पर तुझे पहुंचाया। कुरान पाक का राम कहां से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सारी कायनात को पालने वाला अल्लाह। जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे ईमान है, अकीदा है कि रब्बुल आलमीन वो है, पालने वाला वो है, रिज़्क़ देने वाला वो है, तो फिर उस पर हलाल पर सबर क्यों, हलाल के लुकमे पर कनात क्यों नहीं, फिर हराम के सराय की तलाश क्यों जा रही है, सारी बात है जल्द पर सुकून क्यों नहीं होती। पहली रात तरावी बंदे में आता, दूसरी रात थोड़े सा, तीसरी रात फिर थोड़े सा, आहिस्ता आहिस्ता अभी तक का सा 15 तक तैनात घटी, इन दो दो तीन तीन समय है तो कारोबार भी बंद, मेहनत मजदूरी के सारे सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन कौम को फिर भी शुरू नहीं, भीख मांग रहे हैं, सारे मामला रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कारोबार भी हर कारोबार खुले, लेकिन बाजार है कि इंसान तौबा मसाजिद की अंदर आने वाले लोगों की अक्सरियत पहले की तरह भी नहीं, देख लो हिसाब का सहाबा इकराम सुभानअल्लाह अलैहि अजमईन, नबी अलैहि सलाम के समान है पाकी तरावियां, नबी अलैहि सलाम ने पढ़ाइयां, सब हर रात सहाबा की तादाद बढ़ती सड़ी हर रात कट शादी नमाज, देख लो कि अगर चार सभा होंगे पांच सभा होंगे तरावियां, तो फिर चार हो जाए, दो तो बाद तीन हो जाए, चार तरावियां तो बाद दो हो जाए, एक घट दिया पर जिन्हें आसमान में चुप लिया मगर दो सभा कभी क्यों है, सुकून इत्मीनान इबादत एक होता ही वो होता क्यों नहीं, किसी ने इतना नहीं होता कि जो पेट है जो हलाल कितने न कितने मिलावट धोखा रिश्वत सूद जितने भी हराम ने सराय ने वो सारे कमाई दुकान मौजूद कारोबार मौजूद, किस तरह लज्जत आए ईमान की हलावत जगह पाल में सही मुस्लिम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान की हलावत मिठास सहका सुकून इत्मीनान जिन्हों नसीब हो जाए उसका पहले ही हालत कफील क्यों नहीं कि मन प्रसिया बिल्ला या रब पर वो अल्लाह के रब होने पर राजी हो, वो मेरा रब है, वो मेरा पालने वाला है, मैं जो उसने लिखा और जितना उसने देना है और जेड़ा उसने मैंने इजाजत दी है जरा लाल जरा इस्तेमाल कर दी बस मैं वही कर रब पर लाजी हूं कि मेरा अल्लाह मेरा रब। हदीस भी है और पता है वो कितना अजीम है, कुरान पाक कुरान समीर जो कुछ है बाबा मिंदा पद बाबा मिंदा पद फिल अर्ज इल्ला अल्लाह रिस्म
धरती पर जो कुछ है उसको रिजक देना मेरी जिम्मेदारी। काफिर उसने वो सबको मैं रिजक देता हूं और मैंने वादा किया मैं आपको पालने वाला मैं। उसके दरवाजे से ना उम्मीद होकर हराम के सराय तलाश करना, याद रखना लुकमा हराम का पहला असर बंदे ईमान पर अकीदे पर पड़ता है। और इस तरह आए का विस्तार कैसे हो सकता है? या युवा लजीना अरमनु कुतबा अलैकुम सिया, हराम के लुकमे का पहला असर ईमान पर वो कितना अजीब है। हरी से पास सुन ले फिर तुम्हारे बाबू जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो या इबादी, हदीस कुदसी है मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है या इबादी ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे पहले तुम्हारे पिछले जितने आज तक गुजर चुके जितने क्यामत तक आएंगे जिन हो इंसान हो सारी कैनात सारी मखलूक हो एक मैदान में इकट्ठी हो जाए और अपनी अपनी तरफ चाह जरूरत के मुताबिक मुझसे मांगे एक ही साथ एक ही घड़ी सारे इंसान सारे जिन्नात सारे हैवानात दरिंद परिंद चरिंद सब इकट्ठे हो जाए एक ही लम्हे मुझसे मांगना शुरू कर दे, जो जो मांगते जाए मैं उनको देता जाऊं, जब सारे लेने वाले थक जाएंगे तो फिर मेरे खजाने में फरमाए सुई जो दरिया में समुंदर में डबो के निकाल ली जाए इतना समुंदर में पानी कम होता है मुझे अपनी जात की कसम है मेरे खजाने में इतनी कमी आगे नहीं होती। ये हमारा इतना अजीब रहा फिर बंदे की नजर हो कबर पर दर्द पर अजर पर मलकों पर इंसान पर और दर्द हो थके खा रहा हो और हराम के जरा इस्तेमाल करके माल इकट्ठा कर रहा है माल है माल। नबी रहमत की हदीस सुन लीजिए सही बुखारी की हदीस फिर तुम्हारे मामू जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाते हैं मेरे सरदार बंदा ऐसा होगा कयामत वाले दिन जिहड़ा मिलया ते सारा हो जाएगा जन्नत तक फरमाएगा 70,000 बुखारी के हदीस में 70,000 नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया उस कयामत के हदीस में आगे तफसील वजाहत या अल्लाह मेरी उम्मत ज्यादा है वह महबूब तेरी हिरस पर तेरी मोहब्बत पर तेरी हकीकत अपनी उम्मत के साथ प्यार पर कुर्बान जाए और विश्वास का मुझे निकलता है अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमा। नबी अलैहि सल्लम ने मुझे ये कहा गया कि तुम्हारी उम्मत के 70,000 बंदा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। मैंने मुसीबत अर्ज किया या अल्लाह उम्मत ज्यादा होगी नदा थोड़ी मेरी तो उम्मत ज्यादा है सारे नबियों से ज्यादा उम्मत मेरी होगी और सिर्फ 70,000 कुछ और अनायत कुछ और रहमत फरमा फरमा मानो चलो आप राजी हो जाए वाला सौ भाई होती कारण को खबर करता आपकी रजा जहां मोहब्बत में हम ऐलान करते रहो हर हजार के साथ 70,000 और मिला लो। मेरे साथ आप जानते हो ये लोग कौन होंगे इतना मसहदीस पड़ी बात किसी में लगे सहाबा इकराम आपस में और जन्नत की हरीस सहाबा इकराम कह रहे यार नबी अलैहि सलाम ने कमाल की हदीस पढ़ी है बयान फरमाई है बड़ी अजीब बशारत है ये लोग कौन हो सकते हैं सहाबा इकराम कह रहे हैं साढ़े तलाक फिर और कौन हो सकता है हम ये पहली उम्मत आपकी उम्मत का बाद हम है हमने कुफर से तौबा करके सलाम लाए हम होंगे और कौन हो सकता है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं हमने तो कुफर का जमाना पाया कुफर में किसी ने शिर्क किया किसी ने कुछ किया किसी ने कोई गुनाह किया किसी ने कोई गुनाह किया अब हम तौबा करके सलाम में दाखिल हुए हमारी फिर भी जिंदगी का कुछ ना कुछ ऐसा गुनाहों में गुजरा
इसलिए कि हम नहीं हो सकते, ये वो लोग होंगे जो इस्लाम पर पैदा हुए, इस्लाम पर मरे, हमारी औलादें होंगी, हम नहीं होंगे। नबी अलैहिस्सलाम कितने बार पाक शरीफ ले आए, फरमाया मेरे साहबा क्या कह रहे हो, क्या बातें कर रहे हो यार, सुना तुम्हारी जो हदीस थी, तुम्हारा फरमान था, बशारत थी, उसके बारे में कुछ बात कर रहे साहब, ये कौन होंगे? आपने फरमाया मेरे साहबा ये वो लोग होंगे जो मेरे रब पर खास तवक्कुल रखते थे, रब पर तवक्कुल करो, जो लिखा है और जितना लिखा है और किस अंदाज से उसने मुझे हुक्म दिया है, मैं कोई तरीका इख्तियार करूंगा रिजल्ट। ये बैठ का हक है क्यों लू, ये भाई का हक है क्यों लू, ये दोस्त का हक है मैं क्यों लू, किसी और का हक है मैं क्यों लू, तो रिश्वत की ऑफर करे बंदा कहे ये मेरा हक नहीं। जानते हो नबी अलैहिस्सलाम तहसीलदार बना के साहबों भेजते सर सरकार की वसूली के, जब वापस एक तहसीलदार पहुंचा ना सरकार वसूल कर, कहने का या रसूलल्लाह ये है सरकार और ये है मेरा तोहफा, मैं वहां गया उन्होंने मुझे तोहफा दिया, मैं इतना सबर करके पहुंचा वहां मासूल लेने सदात लेने वसूल करने तहसीलियत तहसीलदार, मैं वहां पहुंचा उन्होंने क्या भाई यार तू तहसीलदार है तो नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है तो साढ़े को आया तो चलो चले गया तोहफा, ये तेरा तोहफा है, ये सकात है, ये तोहफा है, ये उशर है। आपने फरमाया अच्छा जी तू न जानता तेरे वो घर भी नहीं जानते तोहफा, या सुना जी मैं तहसीलदार न हूं आपसे न जावा तो मैं तुम्हें कहूँ तो भाग्य बड़ा सी, फरमा ये भी फिर तेरा माल नहीं है, ये भी बैंक माल है, ये है इस्लाम, ये है दीन, तुम्हारी वो हिस्सा है जो तुम्हारी तनख्वाह है, जो तुम्हारी मजदूरी है, जो तुम्हारा मुआवजा है, जो तय शुदा है हम देते हैं वो है, ये तो फिरता है अपनी सीट पर बैठ के तू ले रहा है, ये हराम है। अगर वो जो है बच्चा चले ना कि बंदा थानेदार ना हो तो कोई घर भेजे, ये सीट पर पैसे मिल रहे हैं, ये सीट का खाता है, तेरी क्या हैसियत है, अगर ये सीट न होगी तुझे कौन तो फिरता है पेश करता। इस्लाम ने हुक्म हलाल को इख्तियार करना लाजिम करा दिया, 70,000 बंदा वो शख्स जन्नत में जाएगा जो रब पर तवक्कुल कर, कितना तवक्कुल, आपका बीमार हो जाए दवाई सुन्नत है, दम कराना भी सुन्नत है, लेकिन वो कह रहे या अल्लाह दवाई तो मैं रह दम तो मैं रह, तुझे बीमारी ले आने के कादर है तो दूर करने पर भी कादर है, हम नहीं दम करवाते नहीं दवाई खाते, अल्लाह के रह हिसाब की जन्नत है, ये बड़ा ऊंचा दर्जा है, यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल, सारू सर दर्द है तो हम तो फौरी दवाई लेते बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इंसान की फितरी कमजोर नहीं है, लेकिन ये आला दर्जा है, क्योंकि जब दम और इलाज करवाने वाले इंसान चलता है तवक्कुल अच्छे हुए, तवक्कुल के मुनाफी की नहीं, ईमान के मुनाफी की नहीं है, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन जाने वाला दम वाले के पास जब घर से चले फला से दम करवाता हूं फला से डॉक्टर से दवाई ले आता हूं, वहां तक जाते उसके दिल में ये ख्याल है कि दवाई लूंगा उसकी दवाई बहुत मौका की अल्लाह दर्जनम अच्छा लायक काबिल तरीन डॉक्टर है हकीम है उसकी दवाई वाकई असर करेगी, फला ठीक हो गया फला ठीक हो गया, फला से फला ने दम करवाया वो ठीक हो गया, मैं जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, उस वक्त के बाद जाते तक इसके दिलो दिमाग में वही शख्स था, जब वही था तभी तो तवक्कुल जो है ये तकाल है कि इतने लम्हात भी देख तवज्जो गैर अल्लाह की तरफ भी हुई, इस वजह से अल्लाह ने इस पर तवक्कुल भरोसा करने वाला शख्स जो घर बैठा है, लाने वाला भी तू है, अदान करने वाला तू है, डालने वाला तू है, कौन सी ये वबाई मर जो हमारी दुनिया में फैल चुकी है, कौन सी अल्लाह हमने बनाई है या हमने भेजी है या हमारी तरफ से ऐसा हुआ है, ऐ अल्लाह अगर तू लाने पर कादिर है तो ले जाने पर भी कादिर है, ये भरोसा ये ईमान के
जन्नत में ये जाएंगे इस वजह से कि तवक्कुल का भरोसा। याद रखना जिड़ा बंदा आराम माल खाए उसका सबसे बड़ा हमला बंदे के ईमान पर अकीदे पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमा बंदा निफाक के जुमरे को जाता है चला जाता है जब इंसान हराम खाने लगे। निफाक क्यों? निफाक मुनाफिक। कुरान की फरमा इन्नल मुनाफिकीन फिल दर्क अल असफल मिनन नार, जहन्नम के जो सबसे नीचे गड़ा होगा वहां मुनाफिक जाए। मुनाफिकीन की गड़ा बड़ा गहरा, तो पता गहरा कितना है? सुनी है? जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुने। जानते हो ये आवाज कहां से आई है? फरमाया सुना हमारे इल्म में नहीं। फरमाया आज से 70 साल पहले अल्लाह ने जहन्नम में पत्थर फेंकवाया था, आज वो जहन्नम की तह में पहुंचा है। वो तो खड़े होके पत्थर सुनो तो कितने लम्हात के नीचे आता है। 70 साल के बाद जिस जहन्नम के गड्ढे के ऊपर खड़े होकर पत्थर फेंके तो 70 साल लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। उस गड्ढे में मुनाफिकीन जाए, हराम खाने वाला दर्जा निफाक के। तो हदीस है मशहूर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मुनाफिक की 3 अलामात है, बोले तो झूठ बोलते हैं, वादा करे तो खिलाफवर्जी करते हैं, और अमानत दे तो खयानत करते हैं। खयानत सजना हराम खाने की बदतरीन सूरत। माल उसके पास किसी का माल, मुसलमान की तारीफ ही है। नबी अलैहि सल्लम ने जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी जान मार इज्जत महफूज होगी। किसी मुसलमान शख्स का माल नहीं खा सकते, उसका माल तुमसे माहूल हो। मुसलमान होता ही वो है जिसकी जान से माल से तुम्हारी जात से माहूल रहे, जान भी माल भी इज्जत। क्यों जो है हदीस, मुसलमान हो नजरे हाथ करो मुसलमान माहूल रहे थे, हाथ जेड़ा मारते लोगों ने मार लो ये माहूल। इसका क्या माना है? सिर्फ थप्पड़ नहीं मारना था कि माल सारा ले जाना है। हमने अभी इसका मान नहीं गलत समझा है कि थप्पड़ नहीं मारना, मान सारे पर मुस्लिमों ना मिलने सारे वायद है। मुसलमानों दहरे के हाथ को जबान महबूब मत, दूसरा महबूब रहे हाथ की डंडी, ये तराजू की डंडी, ये मिलावट, ये धोखा, ये प्यार, ये हाथ से मुसलमान महबूब रह रहा है नहीं। ये तुम्हारे हाथ की तेजी, हाथ की सफाई, देखते देखते दिखाना कुछ, देना कुछ, कहना कुछ, झूठ बोलते रहना सारा दिन, बताना और क्वालिटी, देना और क्वालिटी, ये क्या है? यही हाथ की सफाई है, यही है मुसलमान नहीं। मुसलमान वो है जिसकी जबान हाथ दूसरा मुसलमान महूद रहे। ईमान पर ये दूसरा हमला है हराम के लुटने का। और सुन लेना कितनी शान है, क्यों ना हो सैयद आता हो, कुरैश खानदान हो, आला खानदान हो, ऊंचा खानदान हो, बलियों की लड़ी हो। अभी सुन लो नबी अल्लाह ने फरमाया जिसको अमल पीछे कर देगा उसको नसब आगे नहीं करे। जो अमल में पीछे रह गया वो खानदान से आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए कि मैं नबी कहना चाहूं, इसलिए कि मैं नबी का बेटा हूं, इसलिए कि मैं नबी का बाप हूं, इसलिए कि मेरा ये ताल्लुक, मेरा ये ताल्लुक। नबी अल्लाह जिसको अमल पीछे कर दे नसब आगे नहीं कर सकेगा। तभी तो आपने अपनी प्यारी लाडली बेटी सैयदा फातिमा को जरा से फरमाया था, फातिमा अमल करना, मैं मोहम्मद क़यामत पर दिन मालिक नहीं हूं, अपने अमल करके लाना। क्या फरमाया था किसी के माल खाने के बारे में कि मेरी बेटी फातिमा चोरी करती मैं मोहम्मद हाथ काट देता,
कितना उस नबी जी से रसूलुल्लाह बचते थे। सीना हसन साहब है रफी अल्लाह तआला रास्ते निकलते चलते खजूर गिरी पड़ी थी, सैयद हसन इब्ने अली ने उठा ली और मुंह में डाल ली। हमारी औलादे चलते चलते रेडियो से कोई चीज उठा लेते हैं, छुपा लेते हैं, खा लेते हैं। चलती चलती जनाब ट्रालियों से पीछे से गन्ने खाद लेते हैं। चलती चलती जनाब गाड़ियों से कोई ना कोई माल उठा लेते हैं। ये है वो बेटा किसका? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हसन। जा रहे हैं साथ रसूलुल्लाह, गली में खजूर गिरी हुई है। सैयद हसन छोटे थे, बच्चे थे, नीचे झुके, खजूर उठा के मुंह में डाल ली। रसूल रहमत ने देख लिया, दौड़े, बच्चा है, मासूम है, छोटा है, क्या हुआ? नहीं, छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को तुम तो खजूरें कहते हो या खाना कहते हो या गाली कहते हो। जिस माँ ने हराम का लुकमा तुमने कमाया, बीवी को खिलाया और बीवी ने खाया और उसके पेट बदन से बच्चा हुआ, उसकी छाती से उसने दूध पिया जो हराम के दूध से भरा है, यही फरमानबरदारी करेगा? सुन लीजिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, अंदाज, सीरत। आगे दौड़े दौड़े रसूलुल्लाह तेजी के साथ, मुंह को गर्दन में हाथ रख लिया और सैयद हसन के मुंह में उंगली डाली, खोल लिया और हुजूर को निकाला, फरमाओ निकाल निकाल बाहर निकाल, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर सर का हराम है, मेरी ये खजूर गिरने वाली सदके की न हो। ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का सदका वसूल करने ये है सदका। मालदार है उस पर हराम है, इस्तेदाद है उस पर हराम। सुनर हराम मेरी आज नसल का सदका हराम है। हसन हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं कि ये सदके की है, हो सकता है ये सदके की हो और मुश्तबे खजूर का दाना मोहम्मद के नवासे के पेट में चला जाए। ये मोहम्मद मुस्तफा पर राजने यह वो सीरत। इफ्तारी कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, आसमान में दुआएं चलती नहीं, चीखते हैं और भी लंबी लंबी दुआ, पौने पौने घंटे की दुआ, नेट पर चढ़ता है, बेफबर होता है, फला जगह जलसा हुआ, फला कौन भी घंटा दुआ, घंटा चीखता रहा, घंटा दो चीख चीख के दुआएं करता था, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो कबूल करने पे आए कितने घंटों की दुआ कबूल करता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अरबाज पूरे नहीं हो गए यूनुस की दुआ कबूल की हो, कितने लम्हा रब्बाना ज़लमना अनफुसना। नबी की दुआएं इंतहाई मुख्तसर, लेकिन दुआएं करते थे कबूल। हराम के लुटने का तीसरा असर अमाल पर है, अमाल कबूल नहीं होते। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों की दुआएं कबूल करता है। हराम खाने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता। ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मोमिन, बुखारी की हदीस है, अल्लाह मोमिन के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मोमिन कौन होता है? जिसका लुकमा हलाल हो। खाने वालों एक वक्त आएगा हराम का माल फना हो जाएगा, लेकिन गुनाह कायम रहेगा, गुनाह खत्म नहीं होगा, गुनाह कायम रहेगा। देख लीजिए कुरान पाक को पढ़ लीजिए, मुतालब कीजिए, जिस चीज से अल्लाह रोके उस चीज को खाना, जिससे अल्लाह मना करे उससे रुकना कितना जरूरी है। हमने समझा है कि आसान है जन्नत, आसान है रोजे, भूख प्यास बर्दाश्त कर ली, शाम को सवाब इफ्तारी मिलेगी, सवाब नहीं, खाना पीना मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा जब तक लुकमा हलाल का नहीं हो। कुरान कहते हैं यार पर रसूल कुलो मेरा सैयद वो अमल सारे
सूरत मोमिनों की आय मुबारक है। सारे रसूलों को अल्लाह का खिताब है। काश ये तुम्हारे दिल में उतरे, इस आयत के अल्फाज पे गौर कीजिए। या अय्युहा रसूल, ऐ रसूलो, अल्लाह किन से मुखातब है? रसूलो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा कलीमुल्लाह से, ईसा से, इब्राहिम से, सारे रसूलों को यही पैगाम दिया। या अय्युहा रसूल, ऐ मेरे रसूलो, कुलो मिनत तय्यिबात वअमलु सालिहा, पाक साफ खा के अमाल करना। नबियों को ना हुक्म दे रहा है, नबियों रसूलों पाक खा के अमाल करना, और हम हराम खा के अमाल करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुरान का दूसरा मुकाम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया सारे नबियों को, वही हुक्म दिया सारे अहले ईमान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, वही करना जो मैंने नबियों को कहा था, पाक खाना उस चीज से जो हमने तुझको रिज़क। मिस्र समझ नहीं आई, वो आदम अलैहिस्सलाम को अगर रोका था जन्नत में एक दरख्त का फल नहीं खाना, कितने दाने खाए थे आदम अलैहिस्सलाम? एक दाना खा लिया था आदम अलैहिस्सलाम ने, दूसरा दाना हव्वा अलैहिस्सलाम ने, जन्नत का लिबास उतर गया था, जिस खाने से रब रोके वो नबी खा ले, तो रब जन्नत से बैर करके जमा से जन्नत उतरवा दे, हम हराम खा के उसी जन्नत में चले जाए, उसमें तो जाना बड़ा मुश्किल है। हराम खा उस जन्नत में चले जाए जिसमें एक दाना खाने वाले आदम अलैहिस्सलाम अलग है, अल्लाह ने सिर्फ रोका था ऐसे दरख्त के फल के करीब नहीं आना, वो खा बैठे थे उसी वक्त लिबास से जन्नत उतर गया था, बाहर निकाल दिया गया था, जन्नत के दस्तों के पत्ते उतार करके जिस्म पे लग रहे थे, काम रहे थे, आवाज ही रोका नहीं था, इस दरख्त का फल नहीं खा रहा, तुम सारे दस्तों के फल खा जो हराम के, और तुम कहो कि आप जन्नत में चले जाए। जरूरी है, लाजिम है कि अपना लुकमा हलाल का हो, इसको चेक कीजिए, तब जाके अमल कबूल होगा। जिसकी जमीन, जिसका माल, जिसकी दौलत, जिसका पैसा, जिसका ख्याल, जिसके साथ किया हुआ है, उसको वापस कीजिए, तब जाके ये अमल कबूल हो गए, तब ये तकवा आएगा, तब परहेजगारी होगी, तब अल्लाह तुम तकून के दर्जे पे आओगे, तब आसमान पे दुआएं चढ़े। अगर ये बैठे हुए सारे लोग अपने अल्लाह से वादा पूरा कर ले, अपने जिस्म अपने वजूद के अंदर ये सोच ले कि आज के बाद हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, अल्लाह की कसम इतने बंदे हाथ उठाए तो अल्लाह को शर्म आती है कि उनके हाथों को वापस दुआ कबूल होती है। शर्त ये है कि लुकमा हलाल, और अगे हदीस है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की औलाद के अंदर दुआ रद्द नहीं होता। लेकिन हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम सबसे प्यारा मुसाफिर कौन है? जो घर से चले। आज तो सफर बहुत आसान है, भाई जहाज पे हम चढ़ते हैं बैतुल्ला पहुंच जाते। उस दौर के जो सफर है, बाद मुहद्दिसीन की ये बात मौजूद है कि घर से चलते बैतुल्ला तक पहुंचते हुए घर से चलते तो जिस्म के, दाढ़ी के, सर के बाल स्याह होते, जब पहुंचते तो बाल सफेद हो गए। कई कई साल सफर करते उस दौर की हदीस सामने रख के तसव्वुर करें, मुसाफिर हो, सफर में हो, बाल अटके हुए हो, गोजना बाल फैले हुए, गर्दो गुबार पड़ा हुआ हो, इराम बांधा हुआ हो, अरफात में कह रहा हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हलाल मील पैदल या घोड़े पर या ऊंटों पर या गधों खजरों पर सफर करके आया हो, लेकिन अल्लाह कहते हैं तेरा खाना पीना हराम का नहीं है, तेरा आना कबूल। बल्कि हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग बंदा चार बार कहे या रब या रब या रब, अल्लाह फरमाता है लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मां क्या मांगना चाहता है? चार बार बार तूने मुझे रब कहा, मुझे शर्म आती है, तुझे वापस कर। लेकिन लुकमा हलाल कहो, बाद मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल दिया है सूरह अल बकरा की आखिरी आयत से, रब्बना इन्ना समिअना मुनादिया युनादी लिलईमान से, कि चार मरतबा या रब्बना या रब्बना है, इसका माना है कि चार मरतबा दूसरी हदीस इस आयत की वजाहत कर रही है, चार मरतबा बंदा कहे या
मैं हाजिर हूं, सर तो तू मान में अदा करो, लिहाजा लुक्म हलाल का इख्तियार कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अकूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरु लि वलकुम।